भाषा पल्लव और व्याकरण के पाठ एक का अभ्यास करवाऊंगी। इसमें हर प्रश्न में हमने आपको चार विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो मेरा पहला प्रश्न है, चिड़िया कब उठ जाती हैं? पहला विकल्प है दोपहर, दूसरा विकल्प है सुबह, तीसरा विकल्प है शाम और चौथा विकल्प है रात। तो सही विकल्प क्या होगा? जी हाँ, सुबह। कब उठ जाती है चिड़िया? सुबह। दूसरा प्रश्न है, जग शब्द का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है जागना, दूसरा विकल्प है संसार, तीसरा विकल्प है जंगल और चौथा विकल्प है ईश्वर। तो बताइए जग शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ, जग शब्द का अर्थ है संसार। तीसरा प्रश्न है, मैदानों में क्या लहराती है? पहला विकल्प है हरियाली, दूसरा विकल्प है हवा, तीसरा विकल्प है फसल और चौथा विकल्प है डाली। तो इसका सही उत्तर है हरियाली। उसके बाद प्रश्न चार है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? पहला विकल्प है दो, दूसरा विकल्प है तीन, तीसरा विकल्प है चार और चौथा विकल्प है सात। तो इसका सही उत्तर है व्याकरण के तीन अंग होते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 15 अगस्त 1948, दूसरा विकल्प है 14 सितंबर 1949, तीसरा विकल्प है 10 सितंबर 1949 और चौथा विकल्प है 12 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। हमारा छठवां प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है वाक्य, दूसरा विकल्प है शब्द, तीसरा विकल्प है व्याकरण और चौथा विकल्प है भाषा। तो बताइए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जी हाँ, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।